चलिए आज एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं आप लोगों को टू डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन में। मान लीजिए हमारे पास है 3 2 और यहाँ पे 2 3। मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, बहुत बढ़िया। फिर इसको मल्टीप्लाई इससे करो और इसको मल्टीप्लाई इससे करो, दोनों को ऐड कर दो। 3 3 9, 2 2 4 4 9 13, 13 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, आ गया हमारा 7 3 6 इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू डिजिट। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आइए मान लीजिए आपको दे रखा है 92 और यहाँ पे दे रखा है 19। डिजिट थोड़े बड़े हैं, कैसे करेंगे, 9 2 18, 8 1 कैरी। अब चलिए 9 9 81 और 2 1 2, 81 और 2 कितना होता है 83 और एक 84, तो 4 8 कैरी, 9 1 9 8 17, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन टू डिजिट्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का। क्वेश्चन दे रखा है 2 3 और 6 2, कैसे करेंगे हम जल्दी से करके दिखाइए। 3 2 6 लिख दिया हमने, 2 2 4, 6 3 18, 18 और 4 होता है 22 का 2, 2 कैरी, 6 2 12, 12 2 14, 1 4 2 6। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं 1 9 9 1, चलिए भाई हालांकि डिजिट्स कैसे भी ले सकते हो आप लोग, मैं थोड़ा सा इस तरीके से टेढ़े मेरे डिजिट्स हूँ। 9 1 9, 1 1 1, 9 9 81, 82, 8 कैरी, 9 1 9 8 17, 8 8 16 1 7, आ गया आंसर हमारा। ये शॉर्ट ट्रिक है टू डिजिट्स के नंबर को मल्टीप्लाई करने का, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़।